आमतौर से क्या होता है, लोकतंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, सही है? आज हिंदुस्तान में ये नहीं हो रहा है। लद्दाख में मीडिया पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने मीडिया सहित पूरे सिस्टम को कब्जे में ले लिया है। आज बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रखा है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर मीडिया है? आपको लगता है कि मीडिया हिंदुस्तान में न्यूट्रल है क्या? तो आपको यह समझना होगा कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रखा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब पे आक्रमण कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मीडिया बीजेपी के कब्जे में नहीं होता तो 2019 का चुनाव भी बीजेपी नहीं जीतती। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर मीडिया फेयर होता, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं। तो आप ये मत सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है। ये जो हो रहा है, बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशन को दबा रखा है, तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। आप राहुल गांधी के इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि विपक्षी दलों की लड़ाई 2024 के चुनाव में बीजेपी के अलावा मीडिया के प्रोपगेंडा से भी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।